इस वक्त बड़े खबर से कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत समीक्षा बैठक लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीन समीक्षा बैठक लेंगे सीएम अशोक गहलोत। दोपहर 12 बजे विपक्ष समेत राजनीतिक दलों के साथ बैठक। दोपहर 2 बजे सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। और शाम 5 बजे का जो तय वक्त है वो डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, निजी हॉस्पिटल संचालकों के साथ बैठक का निर्धारित किया गया है। तो लगातार ताबड़तोड़ तीन बैठकें आपको बता रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत समीक्षा बैठक लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। तीन ये समीक्षा बैठक है जिसमें दोपहर 12 बजे एक बैठक का वक्त जो है वो निर्धारित किया गया है। विपक्ष समेत जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ में ये बैठक है। 2 बजे का समय है सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। और शाम 5 बजे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, निजी जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनके जो संचालक हैं उनके साथ बैठकर बातचीत होगी। और सुशांत पारीख हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। सुशांत, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, अब प्रदेश सरकार उसको लेकर काफी गंभीर, काफी सक्रिय है, तीन बैठकें लगातार। बिल्कुल, सीएम का मकसद तो यही है कि अलग अलग वर्गों के साथ संवाद के जरिए जो भी समाधान निकाला जा सके, जो भी सुझाव मिले और उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इससे पहले भी हमने देखा है कि बहुत लंबी और मैराथन बैठकों का दौर चला है विभिन्न वर्गों के साथ। आज तीन बैठकें दोपहर 12 बजे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ सीएम चर्चा करेंगे। 2 बजे सामाजिक संगठनों और एक्टिविस्ट के साथ होगा और शाम 5 बजे चिकित्सक, रिटायर्ड एक्सपर्ट, निजी चिकित्सालय के संचालकों के साथ होगा। क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है लगातार, और जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, कुछ सख्त और कड़े कदम उठाने का समय आ गया है। कुछ जगह हम देख रहे हैं कि जोधपुर में कुछ हिस्सों में लॉकडाउन की स्थिति है और जयपुर में भी संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है। लोग लॉकडाउन की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ सख्त फैसले सीएम की ओर से लिए जा सकते हैं और उन्हीं को लेकर आज सीएम इन सभी अलग अलग वर्गों के साथ सुझाव और चर्चा करने वाले। सुशांत, इससे पहले भी कई बैठकें हुई हैं कोरोना को लेकर, लगातार महामारी अपने पांव पसार रही है प्रदेश में। अब ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इससे पहले हुई बैठकों में भी कई बातें जो हैं वो की गई थी, कई समीक्षाएं की गई थी और कई गाइडलाइंस भी बनाई गई थी, लेकिन गाइडलाइंस की धज्जियां जो है वो सरेआम उड़ रही है। इसके लिए कुछ खास कदम, कुछ खास जो अहम पॉइंट्स हैं, अहम बिंदु हैं, उन पर काम करे सरकार, ये भी इस बैठक में तय माना जाए। देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जो नागरिकों की भूमिका है वो सही ढंग से उसका निर्वाह नहीं हुआ, क्योंकि नो मास्क नो एंट्री अभियान के बावजूद भी जो है अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है प्रदेश में जहां मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है लेकिन उसके बावजूद लोगों में वो डर नहीं है, पालना को लेकर वो जागरूकता नहीं है जो होनी चाहिए। सरकार ऐसे में अब और क्या करे, ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा कि किस तरीके से और अधिक सख्ती से पालना करवाई जाए या फिर कुछ ऐसे कड़े कदम जिनमें एक तरीके से बाध्यता हो लॉकडाउन जैसी स्थिति को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, सही कहा आपने कि सरकार कई तरह की गाइडलाइंस को तैयार कर चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। अब इस लापरवाही को कैसे खत्म किया जाए, क्या यहाँ सख्त होना पड़ेगा, अधिकारियों को सख्त होना पड़ेगा, प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी, इस पर भी आज चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस पूरी बातचीत के लिए।